एस्ट्रो लवर्स, शिमारू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति जो पर्व है वो अपने भारत वर्ष में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व में लोग खुशियां बांटते हैं, मिठाइयां और परिवार के साथ आनंद, खुशी और पतंग उड़ा के अपने आनंद को दर्शित करते हैं। ये पर्व के अंदर अपने समाज में बहुत सारी प्रथाएं हैं, रूढ़ी है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहा जाता है ये समय दान के लिए बहुत ही अच्छा समय है, खास करके ये समय के अंदर तिल के लड्डू और मिट्टी का बर्तन, ये ब्राह्मण को दान करने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। खास करके ये समय में मकर राशि के जो जातक है उनके जीवन में शुभ या अशुभ उनकी पत्रिका और ग्रहों के अधीन फल प्राप्त होने की शक्यता ज्यादा है। खास करके ये समय में सूर्य के प्रकाश को पूजना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। खास करके ये वक्त सूर्य की धूप लेना, सूर्य के प्रकाश में रहना, इनसे शरीर में आने वाले समय में आने वाली बीमारी भी खत्म हो जाती है। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जो आनंद उल्लास से मनाया जाता है। खास करके गुजरात या ऐसे कुछ गुजरात के चारों तरफ के राज्यों में पतंग उड़ा के इस त्योहार को मनाया जाता है। छोटे बड़े बुजुर्ग सब साथ में मिल के एक रंगीन पेपर की पतंग बना के कलरफुल पतंगों से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अलग अलग मिठाइयाँ और गन्ने खाकर अपने त्योहार को उत्साह से मनाते हैं। सूर्य का मकर में भ्रमण होना, इनसे दूसरी राशियों को भी प्रभावित होता है, जैसे मेष, मीन और कुंभ, ये तीन राशियों को लाभप्रद होगा, बाकी जो राशि है उनको मिश्रित फल प्राप्त होगा। खास करके कुंभ राशि के जातक के लिए ये मकर का परिभ्रमण है जो सूर्य का, वो मकर में परिभ्रमण होना बहुत ही लाभदायक होगा। ऐसे इसमें धन संपत्ति की भी आने की या मिलने की शक्यता ज्यादा है। अपने परिवारजनों या परिवार की मिलकत को प्राप्त करना भी इनके लिए फायदेमंद होगा। इनके माता पिता भी इनके प्रति प्रेम और आदर से उनको भेंट सौगात प्राप्त दे सकते हैं, इनको ऐसी भेंट सौगात प्राप्त हो सकती है। ये खास करके मकर राशि के जो लोग हैं उनको ध्यान रखना जरूरी है। सूर्य के परिभ्रमण से उनके मन में अशांति और गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्से से अपने कार्य को खराब ना करें, अपने परिवार में संबंधों को खराब ना करें और अपने स्वजनों का आदर करें। अपने व्यवसाय स्थान के अंदर अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो सूर्य के जापात्मक करें और खास करके अपने से नीचे का जो वर्ग है उनके साथ प्यार और अच्छे दोस्ती से उनके साथ व्यवहार करें। ऐसे लोगों को, मकर राशि के जो लोग हैं उनको सबसे अच्छा कार्य ये है कि सबके साथ मित्रता से और शांति से कार्य करें। सूर्य और चंद्र दोनों की उपासना करें, उनके लिए फायदेमंद होगा। तुला राशि है उनको ये स्वभाव में शांति और शीतलता प्रदान करेगा, लेकिन रात्रि का समय तुला राशि के जातक के लिए ये मकर में जो परिभ्रमण है सूर्य का वो थोड़ा तकलीफ दे सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बीमारी को हल्के से ना लेके उनका इलाज भी देखना चाहिए। सबसे महत्व की बात यह है कि ये जो पर्व है वो दान, दक्षिणा और मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में पर एकदम नान्यतर जो जातियां है या जो एकदम आर्थिक तरह से पचात है उन लोगों को मदद करने का समय है। इस समय में तिल, गन्ना और मिट्टी का बर्तन दान देना चाहिए और ऐसे करके अपने सूर्य को शांत करना चाहिए। ये दान देने से सूर्य शांत होता है, मकर राशि के जातक को इसका फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के समय सूर्य को जल देने से मन में शांति होती है। ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसे करके ओम मंत्र बोल के सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने से उनके कार्य में सफलता प्रदान होगी। गन्ने के खेत में ऐसी जगह पे घूमना चाहिए जिनसे उनका मन शांत होगा। गन्ना खाना, तिल खाना और मिट्टी का बर्तन दान देना ये भी उनके लिए फायदेमंद होगा। मकर संक्रांति के समय भगवान शिव जी के पर दूध और तल का अभिषेक करने से फायदा होता है। जो मकर राशि के जातक है उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुला राशि के जातक है ये इसमें सफलता और खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि के जातक के लिए ये हल्का सा तकलीफ देन होगा, लेकिन मकर संक्रांति के बाद का समय उनके लिए लाभमय, सुखप्रद होगा।
वृषभ राशि के जातक के लिए ये समय आनंदित होगा। इनको इससे सूर्य की शक्ति प्रदान होगी। सूर्य के दर्शन करने से इनकी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे भारत वर्ष के अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से मकर संक्रांति को मनाया जाता है, पंजाब में मकर संक्रांति के दिन अपने घर में फसल को लाया जाता है। जो अपने खेत में बुई हुई जो फसल है, ये पहला दिन होता है जिस दिन ये फसल को अपने घर में लाई जाती है। इनको ये शुभ मानते हैं। इस समय फसल लाने से अपने घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और जो लाई हुई जो फसल है उनके भी दाम अच्छे प्राप्त होते हैं। खास करके गुजरात के अंदर यहाँ पे पतंग चगा के, पतंग उड़ा के लोग साथ में मिल के ये त्योहार को मनाते हैं और पूरे भारत वर्ष में ये त्योहार प्रचलित है और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट्स। पूरे वीडियो देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, अमेज़न फायर स्टिक पर डाउनलोड करें शिमारू एस्ट्रो ऐप, एयरटेल डीटीएच पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और डीटीएच पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया चैनल।